जब जब ये सफर शब्द का जिक्र होता है तब तब सब कुछ भुलाकर मैं इस सफर के सफर पर चल देती हूँ। हालांकि अभी तक जिंदगी के सफर के अलावा किसी और सफर पर जा नहीं पाई हूँ, बट इस सफर जैसे शब्द का सफर करने की कई ख्वाहिशें हैं मेरी, उसको मैं कुछ शब्दों में बयां कर रही हूँ। अभी तक सोचती आई हूँ कि कहीं तो जाना है अकेले सफर पर कहाँ वो पता नहीं। किए हैं मैंने हजारों जगह गूगल, पर डिसाइड ना कर पाई अभी तक। या तो मौका ही नहीं दे रही खुद को, या फिर डाउट कर रही हूँ। शायद मैं सोच ज्यादा रही हूँ और खुद को रोक ज्यादा रही हूँ। अब बस खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक सफर पर जाना चाहती हूँ और अपनी इस सफर की पल को एडवेंचरस बनाना चाहती हूँ। गौर फरमाइएगा, वो नदी के किनारे और पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, वो नदी के किनारे और पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, समुद्र की लहरें और झरनों की किलकारियाँ, बर्फीला मौसम हो और खुला रास्ता भी, वो खुला आसमां हो और हल्की सी हवा भी, साथ में हरियाली हो और पक्षियों की आवाज भी, एक छोटी सी झोपड़ी हो और वहाँ खाना भी, बस कुछ ऐसे ही सफर पर जाना चाहती हूँ। वो ट्रेन का सफर और फेवरेट सॉन्ग, साथ में गरम चाय और मेरे पॉपकॉर्न, वो फ्लाइट की खिड़की से बादलों को देखना और फिर पंख फैलाकर उड़ने का सपना भी तो है, वो कश्ती में सवार होकर चलते जाना, वो कश्ती में सवार होकर चलते जाना और साथ में पानी की रफ्तार से भी डरते जाना, वो खुली सड़कों पर बिना रुके चलते जाना, वो खुली सड़कों पर बिना रुके चलते जाना, और हाँ पहाड़ों पर ट्रैकिंग भी तो है करना, बस कुछ ऐसे ही सफर पर जाना चाहती हूँ। वो शाम की ठंडी हवा में टहलना, वो शाम की ठंडी हवा में टहलना और दूर तक चलते जाना, वो गार्डन में घंटों बैठना और फिर फूलों की खुशबू को इकट्ठा करना, साथ में झूले और कुछ भागम भाग भी, और फिर रात को थककर सोना भी तो है ज़रूरी। हाँ बस कुछ ऐसे ही सफ़र पर जाना चाहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद।